महिला बाल विकास विभाग परियोजना नालचा अंतर्गत 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत परियोजना अधिकारी संजय गायकवाड़ के मार्गदर्शन में सेक्टर सागर अंतर्गत पोषण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा हरी सब्जियों, मोटे अनाज से बने विभिन्न व्यंजन बनाए गए। अतिथि वार्ड पार्षद श्रीमती सुधा चौधरी ने महिलाओं को घर में उपलब्ध सामग्री से बने भोज्य पदार्थों से मिलने वाले पोषक तत्वों के विषय में जानकारी दी। अतिथियों का आभार पर्यवेक्षक श्रीमती चंद्रिका सोनी द्वारा माना गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं उपस्थित रही। पीथमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। वो हमेशा स्वस्थ रह सकते, क्योंकि क्या होता है काजू बादाम हमेशा हर व्यक्ति खा ले या पिस्ते ले आए, ड्राई फ्रूट ले आए, ये संभव नहीं है। लेकिन हमारे को जो रोजाना रोजमर्रा में हमारे घर में यूज होती है चीजें, मात्रा में पौष्टिक तत्व होते हैं। अगर आपको प्रोटीन चाहिए, आप सोया बड़ी खा लो, मूंगफली के दाने खा लो, उसमें भी है वही चीज बादाम में और वही चीज उसमें है। तो जो चीज एक आम व्यक्ति अपने परिवार के लिए ला सकता है और अपने परिवार में उस चीज को बच्चों को परिवार को खिला सकता है, वो चीज हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन उनको जानकारी होना चाहिए कि इस चीज को खाने से हमें ये पोषक तत्व मिल रहा है। और हम क्या होता है, बच्चे अक्सर चीजें खाने में, कोई भी भोजन खाने में थोड़ा ना नुकुर करते कि हम ये नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं खाएंगे। तो इसलिए आज जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कुछ अलग तरीके से या कुछ इस तरह से कि बच्चे खा लें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।